हाँ तो भाई, एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। फिल्म में उन लड़कियों की कहानी का दिखावा करने का दावा किया गया है जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया और फिर वो आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो गई। इस फिल्म का ट्रेलर 26 अप्रैल को रिलीज हुआ है हाल ही में, एंड इससे पहले नवंबर 2022 में इसका टीजर आया था। उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था कि 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, इसके बाद उन्होंने सीरिया ले जाकर ISIS में शामिल करवाया गया। द केरला स्टोरी में एक्टर अदा शर्मा मुख्य भूमिका को निभा रही है। फिल्म में उन्होंने शालिनी नाम की लड़की का किरदार निभाया है जो केरल के एक हिंदू परिवार की लड़की है। शालिनी का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद उसका जो नाम था ना वो फातिमा पड़ गया। फिल्म के टीजर में फातिमा बताती है कि वो एक हिंदू परिवार से थी जिसका नाम शालिनी था और वो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन अब उसे फातिमा के नाम से जाना जाता है। फातिमा ये कहती है कि अब वो अफगानिस्तान की जेल में एक आतंकवादी के तौर पर बंद है। उसके जैसी 32,000 लड़कियां भी वहां पर बंद है जिन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित करके केरला और यमन भेज दिया गया। फिल्म में ये भी बताया गया है कि केरल में नॉर्मल लड़कियों को खतरनाक टेररिस्ट बनाने का खतरनाक खेल चल रहा है। YouTube पर एक चैनल है द फेस्टिवल ऑफ भारत, इस पर द केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर है ना उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जो 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा है वो आंकड़ा उन्हें कहां से मिला। उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि साल 2010 में केरला के तत्कालीन CM ओमन चांडिन ने विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें कहा गया था कि हर साल 2,800 से लेकर 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म को अपना रही हैं। बस अब आप इससे अगले 10 साल का हिसाब लगा लीजिए। हालांकि इसके साथ डायरेक्टर ने यह भी बताया कि उनके सामने कैमरा पर ओमन चांडी ने ये बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और डायरेक्टर ने कहा कि ये आंकड़ा उनका नहीं है, ये ओमन चांडी का है, बट ओमन चांडी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंड हम आपको बताते कि ओमन चांडी ने कहा क्या। डायरेक्टर ने कहा कि ओमन चांडी ने 2010 में लड़कियों के धर्म परिवर्तन से जुड़ा बयान दिया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमन चांडी ने 2010 में नहीं बल्कि 25 जून 2012 में कोर्ट में इस बात पर बयान दिया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें यह बात है कि 25 जून को केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने बताया था कि 2006 में राज्य में 2,667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि उन्होंने ISIS को ज्वाइन किया एंड आतंकवादी बन गई। इस बात का कोई ठोस प्रूफ नहीं है भाई। अब ये कहानी एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, जो भी चीज़ है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।